दोस्तों, एक बार फिर से माँ हिशमती साम्राज्य हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएस राजा मौली ने एक मूवी प्रमोशन इवेंट में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। और मीडिया से बात करते हुए एसएस राजा मौली ने बाहुबली 3 के बारे में बात करते हुए कहा, जब प्रभास रेडी होंगे तब हम बाहुबली 3 बनाएंगे। और इसका मतलब अब प्रभास कल्की के बाद एसएस राजा मौली के साथ काम करने वाले हैं। और इस बार जो बाहुबली 3 धमाका करेगी उसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, और पूरी दुनिया में बाहुबली 3 जितना कोई मूवी नहीं कमा पाएगी, और वही प्रभास। इन दिनों अपनी मूवी कल्की को लेकर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि कल्की मूवी को बाहुबली से भी ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा, और पूरी दुनिया में जितने स्क्रीन्स पर बाहुबली रिलीज हुई थी उससे भी ज्यादा स्क्रीन्स कल्की मूवी को दिए जाएंगे, और एक बार फिर से प्रभास पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस किंग बनने आ रहे हैं। दोस्तों, सलार मूवी के बाद प्रभास का स्टारडम काफी बड़ा बन गया है, और वहीं कल की मूवी में अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी आ रहे हैं। उसी के साथ प्रभास भी एक बहुत ही अच्छा कल की अवतार लेकर आएंगे। तो सोचो कितना बड़ा बवंडर आने वाला है, और इस मूवी का क्रेज कल की से और बाहुबली से मिलता जुलता है। और इस बार पूरी दुनिया में इस मूवी को नेक्स्ट लेवल प्रमोट किया जा रहा है। इसका मतलब नाग अश्विन अपनी मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और वहीं इस बार एक नया धमाका एसएस राजा मौली ने भी कर दिया है। और अगर बाहुबली 3 को रिलीज किया गया तो पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा दोबारा से अपना राज करेगा, क्योंकि बाहुबली के दोनों पार्ट को पूरी दुनिया ने पसंद किया था, और अब इसका तीसरा पार्ट आने वाला है। और उसी के साथ भी प्रभास भी इंडिया के नंबर 1 सुपरस्टार बन जाएंगे, जिनका मुकाबला कोई भी कर नहीं पाएगा। दोस्तों, आप बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट से कितना खुश हुए हो, कमेंट में लाजमी लिखना। और आपको क्या लगता है, अगर बाहुबली 3 को रिलीज किया जाता है तो कितने करोड़ की कलेक्शन होगी, और क्या प्रभास बाहुबली 3 से 5000 करोड़ की कलेक्शन कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आप बाहुबली प्रभास के सच्चे फैन हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको कल की और बाहुबली 3 की सारी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।